वेल, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मुझे एनडीआईएम में पढ़ने आना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। मैंने कल पोस्ट डाली थी एंड उसमें मैंने डाला था कि यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू एनडीआईएम, तो कई लोग ने पूछा है। ओके, तो चालू करते हैं। तो यहाँ पे संचित ने कहा है, शुड आई प्रिफर एनडीआईएम और डॉन बॉस्को? अब देखो, ये तो एंटायरली डिपेंड होता है, तो मैं खुद कंपेयर करके देखना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुम एनडीआईएम आओगे तो एनडीआईएम में ज़्यादा फ़ायदा है। ये बात अलग है कि यहाँ पे मतलब तुम्हें स्पोर्ट्स वोर्ट्स का उतना कल्चर नहीं मिलेगा, बट स्टाफ एंड टीचर्स आर गुड। वो अगर तुम उनका काम ढंग से करोगे तो वो भी तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। अगर तुम पढ़ाई के हिसाब से यहाँ आना चाह रहे हो तो आ जाओ, और अगर तुम कोई प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो एंड तुम यहाँ आना चाह रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि अटेंडेंस का इश्यू यहाँ पे नहीं रहता है। तो ना, अगर तुम बिजनेस के साथ भी कॉलेज भी कभी कभी अटेंड करोगे तो ईजिली जाएगा। ओके, तुम्हारा कॉलेज का टाइम देखो। वेल, अगर तुम एनडीआईएम और डॉन बॉस्को के बीच में देख रहे हो तो मैं डॉन बॉस्को गया था एंड वहाँ पे ना अभी फिलहाल में एक इवेंट था, तो ना उनका कैंपस एरिया बहुत बड़ा है, लाइक रियली वेरी बिग एंड बहुत अच्छे से लोकेटेड है। हालांकि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि टीचिंग कैसे होती है या फिर फैकल्टीज कैसे हैं, बट तुम वहाँ जाओगे तो तुम इम्प्रेस हो जाओगे। एंड तुम्हें जैसे कॉलेज लाइफ एज अ पर्सन तुम एस्टिमेट करते हो ना कि ऐसी कॉलेज लाइफ हो, ऐसे बड़े बड़े थ्री डेट्स जैसे IIT जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, लंबा हॉलवे हो, तो अगर तुम्हें वो टाइप की लाइफ एंजॉय करनी है वहाँ जा सकते हो। एनडीआईएम शुरू होते ही खत्म हो जाता है, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा ही है। ओके, तो इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस अ गुड लाइफ देन गो टू डॉन बॉस। चलो नेक्स्ट है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो भाई एनडीआईएम कॉलेज कैसा है। एनडीआईएम कॉलेज देखो, यहाँ तुम आओगे तो यहाँ पे तीन बिल्डिंग है, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक MBA, एक PGDM और एक BBA। तो कॉलेज ठीक ठाक है, नॉट मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। अब ये लोग लिखे हैं कि AA++ रेटेड इंस्टीट्यूशन होगा, अच्छा होगा, बट जहाँ तक मैंने 2 साल में एक्सपीरियंस करा है मुझे उतना ढंग का नहीं लगा है। यहाँ पे ऐसा है कि एक आप सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन है, वहाँ पे सड़ा सा खाना मिलता है एंड फिर उसके बाद इनके जो क्लासरूम्स है, क्लासरूम्स आर गुड, AC वगैरह सब है। चेयर्स हैं वो सिंगल ऐसे जिसके ऊपर ऐसे हाथ लिख के मतलब कि हाथ रख के लिखते हो ना, वैसी वाली चेयर्स हैं, लंबी वाली चेयर्स नहीं है, तो वो चीज़ अच्छी है। क्लासेस अच्छी हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। आप किसी क्लब को ज्वाइन करोगे तो आप शांति से अपने चैन से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लोग क्लास में ही कराते हैं प्रैक्टिस अगर करना हो। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 की टाइमिंग क्या है, सुमित ने बोला है। तो शिफ्ट 1 की टाइमिंग है इज अराउंड 9:30 टू 12:30 या 1 o'clock है। ओके, शिफ्ट 1 की टाइमिंग। एंड शिफ्ट 2 की टाइमिंग है तुम्हारा 1:30 से 1:30 से 5 o'clock तक, कभी कभी 4:30 तक लगती है, कभी कभी 4 o'clock तक लगती है, डिपेंडिंग ऑन बच्चे आते हैं या नहीं आते। किशांक, BBA के बाद क्या प्लान है भाई? BBA के बाद, हाँ यार, अभी तो थर्ड ईयर चल रहा है, बट प्लान तो ये है कि वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस एंड उसी में टाइम इन्वेस्ट हो रहा है पूरा, तो वो चीज कर रहा है। हे, कैन यू प्लीज टेल, इज इट अ गुड टू ज्वाइन इंडिया फॉर BBA बट इन द इवनिंग शिफ्ट? देखो यार, शिफ्ट तुम कोई से भी ज्वाइन करो, तुम अगर इवनिंग में करोगे तो तुम्हारी कुछ टाइम वो तुम मॉर्निंग में भी हो सकते हैं, अगर तुम बहाना मार के कुछ उनको सबमिट कर दो, बोलो कि यार हमारा पॉसिबल नहीं होता आना इतनी दूर से शाम को या फिर कुछ कुछ, तो वो तुम्हारी इवनिंग या इवनिंग से सुबह शिफ्ट हो जाएगी, उसका कोई इश्यू नहीं है। ब्रो, कैन यू टेल मी BBA फीस पर एनम? देखो, तो अभी हमारे थर्ड ईयर की फीस का आया था 1,03,000, मैं दिखा दूंगा। एंड हाँ, हमारे वो सेशन की है तो ऐसे है, तो लगभग तुम्हारा 3-3.5 लाख जाएगा BBA करने में। इज इट अ गुड ऑप्शन टू टेक BBA फ्रॉम दिस कॉलेज? इट्स एवरेज। यहाँ की जो प्लेसमेंट्स है इट्स अराउंड 7-10 lakhs। ओके, एंड आई थिंक अच्छा होता है वो, है ना, अच्छा तो होता है, बट इशू ये है कि हमें ये नहीं पता है कि दूसरों को मिल रही है इतना कि नहीं। जरूरी नहीं है कि तुम्हें 10 लाख का मिले, तुम्हें क्या पता 3-5 लाख का भी। इतनी सड़ी सड़ी कंपनी भी आती हैं, 20-20 हज़ार देने वाली कंपनी भी आती हैं कि पर मंथ 20 हज़ार दे रहे हैं। तुम 20 हज़ार की नौकरी थोड़ी ना करना चाहोगे BBA के बाद, तुम खुद बताओ। देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें बहुत सेक्सी पैकेज मिलेगा तो वो पॉसिबल नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें ऐसा ही जादू ही कुछ वो होना पड़ेगा अगर तुम्हें उतना ज्यादा पैकेज चाहिए तो। वो तो भाई तुम्हारे पूरे इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे 3 साल का कोई मैटर नहीं है उसमें, बस मार्क्स का मैटर भाई। अटेंडेंस की प्रॉब्लम होती है या नहीं यहाँ पे अटेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है अगर तुम कोई से क्लब में हो, क्लब से रिलेटेड मतलब डांस का क्लब, म्यूजिक का क्लब। तो म्यूजिक के क्लब में आओगे तो मैं ही हूँ, ठीक है, तो अटेंडेंस का इशू नहीं होगा तुम्हें।
बस वही है कि ढंग से काम करना पड़ेगा। क्लब्स में रहते हो तो इश्यूज नहीं रहते हैं बिल्कुल। अगर हम लोग कहीं जैसे इवेंट में भी बाहर जाते हैं ना, उसकी भी अटेंडेंस मिलती है। बस ये है कि हद में रह के करना है तो सब ठीक रहेगा। हाय हाय अभिषेक, बीबीए के लिए ये कॉलेज कैसा रहेगा और नियर बाय कौन सा मेट्रो है? इसे सबसे नियरेस्ट मेट्रो है या तो गोविंदपुरी या तो साकेत। साकेत से एकदम सीधा पड़ता है, गोविंदपुरी से थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा, बट उतना ही डिस्टेंस है, 3-4 किलोमीटर। ऑटो मिल जाती है, ठीक है, 20 रुपये लेता है, 15-20 रुपये लेता है, इससे ज्यादा नहीं लेता। आने का बोलना कि बत्रा के पास उतरना है, बत्रा पे उतर जाओगे, फिर वहां से मैप्स लगा के पैदल पैदल चल के अंदर आ जाओगे। ओके, मुझे एडमिशन करवाना है इसमें, क्या ये बीबी के लिए अच्छा है? मैंने खुद लिखा है, ठीक ठाक है, नॉट ऑसम, कैंपस इज स्मॉल, टीचर्स आर एवरेज, इफ यू आर लुकिंग टू स्टार्ट अदर थिंग्स देन स्टडिंग देन चूज दिस, अदरवाइज इफ यू वॉन्ट क्वालिटी एजुकेशन देन दिस इज नॉट गुड फॉर यू। हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, 10 बार बोल रहा हूँ, हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है। ओके, बीबीए में नहीं है, पीजीडीएम में है मेरे हिसाब से, मैंने देखा है वहां पे बसेस आती है लोग। देखो कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं है, बट हाँ लड़कों को शॉर्ट्स में अलाउड नहीं है, लड़कियों को अलाउड है। देखो इंडिया में अच्छा कॉलेज है, बट इशू है कि यहाँ के जो लोग है ना, यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, वो तो खुद कुछ करते नहीं है, तो ऐसे अफवाह फैला देते हैं कि साला चूतिया कॉलेज है। देखो कॉलेज कोई भी खराब नहीं होता है, तुम वहां पे जैसे रहते हो, तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो, वो चीज इफेक्ट करती है। तो तुम अगर यहाँ पे आने के 2 साल बाद तुम गरियाओ खुद को कि यार मैं यहाँ क्यों आ गया, तो वो तुम्हारी गलती होगी, ठीक है, क्योंकि तुमने अपने माइंड को वैसे मैनिपुलेट करवा लिया। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि मेरे लिए तो ये बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि ना मैं मध्य प्रदेश से आ रहा था एंड मेरी रैंक थी 6700 के आसपास, एंड एज आउटसाइडर स्टूडेंट मुझे यहाँ पे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि मैं आउटसाइड का था। दिल्ली वाले पहले प्रेफर करते हैं इनसाइड दिल्ली के, एंड मुझे इसकी वजह से ये मिला, वरना मुझे अच्छा मिलता, जेम्स मिलता, वरना और हाई का मिलता, सूरजमल तक मिल जाता, तो रैंक अच्छी थी मेरी। मैं यहाँ पे पता है, यहाँ पे 18,000 20,000 रैंक वाले बच्चे भी हैं, बोलो एनडीआईएम में कैसे है, उस लक की वजह से। हाउ इज द कॉलेज लाइफ, फेस्ट एंड ऑल? कॉलेज लाइफ इज गुड, फेस्ट वेस्ट में मर जाते हैं लोग, मतलब लिटरली मर जाते हैं। ये चीज अच्छी है कि आईपीयू के किसी कॉलेज में जाओगे तो जब अनुगुंज होगा तो अनुगुंज का फेस्ट तो बहुत अच्छा है। पिछली बार रमान मलिक आया था और इस बार देखते हो कौन आएगा, जनवरी में होता है वो, आई गेस जनवरी दिसंबर इसी के आसपास होता है। सो आईपीयू का कोई भी अच्छा कॉलेज ज्वाइन करो, एनडीआईएम आ जाओ यार, आ जाओ, उतना बुरा नहीं है। व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस कॉलेज? मुझे यहाँ के टीचर्स नहीं पसंद है, स्पेशली द मेन वन, उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट आई डोंट लाइक हर, क्योंकि ना मैंने एक बार कई बार उनको ट्राई करा पिच करने का, बिजनेस का, कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे को पे कर देना, आप बाहर के लोगों को क्यों बुलाते हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को क्यों बुलाते हो, मैं हूं ना, मैं इवेंट की फोटोग्राफी कर दूंगा। और वो इतने दुष्ट हैं, वो बोलते हैं तुम तो मेरी हिट लिस्ट पे हो, मैं तुम्हें बताऊंगी। अब तुम बताओ, कोई तुम्हें इतने जेन्युइनली ऑफर कर रहा है कुछ, तो तुम उसको मना कर रहे हो। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड चॉइस, और मैंने मांगा भी कितना यार। So they won't appreciate such things. So these were the questions. I think that's enough. And next video mein milte hain, batao kya topic banao.